आज तारीख हो चुकी है 7 अक्टूबर। आज एक बार फिर से आईपीएल को लेकर, सभी आईपीएल टीमों को लेकर, क्रिकेटिंग जगत को लेकर कुल 8 बड़ी खबरें और 8 बड़े अपडेट्स निकल कर आए। मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपको सभी 8 खबरों के बारे में बताऊंगा, तो काफी इंटरेस्टिंग काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होगी। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी है क्रिकेट के बड़े फैन तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। अब हम बात करते हैं सभी 8 बड़ी खबरों की। तो जो सबसे पहले बड़ी खबर निकल कर आती है वही केकेआर की तरफ से। दरअसल केकेआर की टीम के लिए आज होने वाले डू ऑर डाई मुकाबले से पहले अब बड़ी कुछ खबरें निकल रही है, जहां पर आज के मुकाबले से पहले अब इस टीम के 2 सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर कंप्लीटली फिट हो चुके, जहां पर लोकी फर्ग्यूसन ने और आंद्रसल ने कंफर्म कर दिया कि आज के मुकाबले में अब ये दोनों प्लेयर्स कंप्लीटली उपलब्ध होंगे। तो कुल मिलाकर अब केकेआर की टीम के लिए बड़ी खबर कि आज के सबसे इंपॉर्टेंट मुकाबले में या फिर एक तरीके से डू ऑर डाई मुकाबले में भी ये दोनों प्लेयर्स उपलब्ध रहेंगे। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग आखिर आज के मुकाबले में केकेआर की टीम मुकाबला जीतकर प्लेऑफ्स में क्वालिफाई कर पाएगी या फिर नहीं। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की। तो जो दूसरी बड़ी खबर निकल कर आती है वो आती है आज होने वाले आईपीएल के मुकाबलों को लेकर। दरअसल आज आईपीएल के हमें 2 इंपॉर्टेंट मुकाबले देखने को मिलेंगे, जहां पर दोपहर में हमें सीएसके पंजाब का मुकाबला देखने को मिलेगा, जबकि शाम को हमें केकेआर राजस्थान का मुकाबला देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर आज आईपीएल के यहां पर काफी इंपॉर्टेंट 2 मुकाबले खेले जाएंगे। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग आखिर इन 2 मुकाबलों में कौन सी टीम को जीत मिलेगी। अब हम बात करते हैं तीसरी बड़ी खबर की। लेकिन उससे पहले आपको बता दें भाई साहब, एमपीएल पर लूट मची हुई, जहां पर एमपीएल पर फैंटेसी क्रिकेट खेलने पर अब आईफोन मिल रहा है, वो भी हर रोज। इतना ही नहीं, आपने फैंटेसी ऐप से ये दावा सुना होगा कि करोड़ों जीतो, लेकिन वास्तव में आपको कोई भी फैंटेसी ऐप करोड़ों रुपए नहीं देता है। लेकिन एमपीएल पर फैंटेसी क्रिकेट खेलने पर आप रियल मनी अर्न कर सकते हो, आप लाखों रुपए अर्न कर सकते हो और यहां पर टीम बनाना भी काफी आसान है। टीम बनाने में अगर आपको कोई भी समस्या होती है तो क्रिकेट एक्सपर्ट दीपदास गुप्ता आपकी मदद करेंगे, सारी मेहनत उनकी होगी, सारी एनालिसिस उनकी रहेगी, लेकिन लाखों रुपए आप जीत सकते हो। इतना ही नहीं, यहां पर तो हर एक मुकाबले में खुद टीम बनाता हूं। कल के मुकाबले में मैंने 20 टीमें बनाई थी, मेरी मात्र 10वीं टीम ने मुझे 7,000 रुपए जितवा दिए। तो आज के मुकाबले में अब मैं 25 टीमें बनाऊंगा, आप मेरी मेन टीम अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो आप भी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से आप अभी एमपीएल डाउनलोड करके आप आज के मुकाबले के लिए तो अपनी टीम बना ले, इसके साथ आप आईफोन का भी कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर ले। दिस गेम इन्वॉल्व एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबिली एट योर ओन रिस्क। अब हम बात करते हैं तीसरी बड़ी खबर की। तो जो तीसरी बड़ी खबर निकल कर आती है वही सीएसके की तरफ से। दरअसल सीएसके की मैनेजमेंट ने अब एमएस धोनी को लेकर यहाँ पर बड़ा स्टेटमेंट दिया, जहां पर कल इस टीम के सीईओ ने कंफर्म कर दिया है कि एमएस धोनी कम से कम 1 और साल इस टीम के साथ कंटिन्यू रहेंगे। कुल मिलाकर अब कुछ ही दिनों बाद होने वाली रिटेंशन पॉलिसी में ये टीम कप्तान एमएस धोनी को रिटेन करेगी। कुल मिलाकर इस साल मोस्ट लाइकली एक टीम केवल 3 ही प्लेयर को रिटेन कर पाएगी। तो सीएसके की टीम ने तो ये कंफर्म कर दिया कि यहां पर रिटेंशन पॉलिसी में अब ये टीम एमएस धोनी को रिटेन करेगी। एमएस धोनी एक बार फिर से अब 1 और साल इस टीम के साथ कंटिन्यू रहेंगे। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग आखिर सीएसके की मैनेजमेंट का और एमएस धोनी का ये सही फैसला है या फिर नहीं। अब बात कर लेते हैं चौथी बड़ी खबर की। तो जो चौथी बड़ी खबर निकल कर आती है सीएसके के सैम करन की तरफ से। दरअसल सीएसके के सैम करन आईपीएल के पार्ट 2 से और वर्ल्ड कप से बाहर हो चुके, जहां पर अपनी बैक की इंजरी के चलते हुए यह बचे हुए आईपीएल से और इसके साथ ही वर्ल्ड कप से कंप्लीटली बाहर हो चुके हैं और इनकी रिप्लेसमेंट के तौर पर अब सीएसके की टीम ने यहां पर वेस्ट इंडीज के इमर्जिंग प्लेयर डोमिनिक ड्रेक्स को अपनी टीम में इंक्लूड कर लिया। कुल मिलाकर अभी हाल ही में समाप्त हुई सीपीएल के फाइनल मुकाबले में इन्होंने गेंद के साथ 2 विकेट लिए थे, जबकि 40 रन की नॉट आउट पारी खेल कर अपनी टीम को यहाँ पर काफी इंपोर्टेंट यहाँ पर सीपीएल के फाइनल में विनर बनाया था। तो यहाँ पर सीपीएल की इस इमर्जिंग स्टार की अब सीएसके की टीम में एंट्री हो चुकी है। मोस्ट लाइकली हो सकता है कि ब्राओ के बैकअप के तौर पर अब इनको टीम में रखा गया। अगर हो सकता है कि आने वाले मुकाबलों में अब ब्राओ इंजर्ड होते हैं तो ब्राओ की जगह प्लेइंग 11 का ही भाग हो सकता है। कुल मिलाकर अब यहाँ पर सैम करन की जगह एक और क्वालिटी ऑलराउंडर इस टीम को मिल चुका है। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग आखिर इस टीम का ये सही फैसला है या फिर नहीं। अब बात करते हैं पांचवी बड़ी खबर की। तो जो पांचवी बड़ी खबर निकल कर आती है वही आरसीबी के हसरंगा और चमेरा की तरफ से। दरअसल आरसीबी की टीम कल का मुकाबला हार गई थी, कल के मुकाबले के बाद अब इस टीम की टॉप 2 में फिनिश करने की उम्मीदें भी समाप्त हो चुकी। इसके साथ ही आरसीबी की टीम को अब बड़ा झटका लगा, महज 2 से 4 दिन बाद अब हसरंगा और चमेरा इस टीम को छोड़कर अब श्रीलंका के वर्ल्ड कप के कैंप में चले जाएंगे। कुल मिलाकर अब 10 तारीख के बाद श्रीलंका के कैंप में दोनों प्लेयर चले जाएंगे, इस टीम को ये दोनों प्लेयर छोड़ देंगे।
खेलेंगे, तो अब हो सकता है कि आरसीबी की तरफ से अब इन दोनों प्लेयर्स के हमें जल्दी रिप्लेसमेंट देखने को मिले। जहां पर सीएसके की टीम ने तो अब सेम करन को अपनी टीम में इंक्लूड कर लिया, आरसीबी की तरफ से भी अब चमेरा या फिर हसरंगा की हमें जल्दी रिप्लेसमेंट देखने को मिलेगी। वैसे आप वीडियो को लाइक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इसके साथ ही आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर ले, ताकि इनकी रिप्लेसमेंट आते ही आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर हमारे टेलीग्राम चैनल पर यहाँ पर सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाए। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग आखिर आरसीबी की टीम को इन दोनों प्लेयर्स के बदले कौन से प्लेयर्स को आखिर रिप्लेसमेंट के तौर पर अपनी टीम में इंक्लूड करना चाहिए। अब बात करते हैं छठी बड़ी खबर की। तो जो छठी बड़ी खबर निकल कर आती है वो आती है यहाँ पर क्रिकेट एक्सपर्ट हर्षा भोगले की तरफ से। दरअसल हर्षा भोगले ने अब कल के मुकाबले में हर्षल पटेल की यहाँ पर काफी शानदार गेंदबाजी के बाद, इसके साथ ही 29 विकेट इस आईपीएल एडिशन में कंप्लीट करने के बाद अब इनके फ्यूचर को लेकर, इसके साथ ही T20 वर्ल्ड कप को लेकर एक बड़ा स्टेटमेंट दिया, जहां पर हर्षा भोगले ने अब ये सजेस्ट किया है कि बीसीसीआई 10 अक्टूबर से पहले अब हर्षल पटेल को यहाँ पर वर्ल्ड कप के स्क्वाड में इंक्लूड कर सकते हैं। जहां पर भुवनेश्वर कुमार का इस बार वर्ल्ड कप से पहले आईपीएल में काफी खराब फॉर्म रहा, इसके साथ ही यहाँ पर हर्षल पटेल का दुबई जैसी कंडीशन में काफी अच्छा प्रदर्शन रहा और दुबई में हमें वर्ल्ड कप देखने को मिलेगा। तो हर्षा भोगले ने बीसीसीआई को सलाह दी है कि अगर बीसीसीआई चाहे तो 10 अक्टूबर तक अब हर्षल पटेल को यहाँ पर वर्ल्ड कप के स्क्वाड में शामिल कर सकती है, इनको अब भी वर्ल्ड कप के स्क्वाड में जगह दी जा सकती है। आप कमेंट करके बताइए आप हर्षा भोगले की बात से आखिर सहमति रखते हो या फिर नहीं। अब बात करते हैं सातवीं बड़ी खबर की। तो जो सातवीं बड़ी खबर निकल कर आती है वो आती हैदराबाद के तेज गेंदबाज उमरान मलिक की तरफ से। दरअसल उमरान मलिक ने अब यहाँ पर कल हुए यहाँ पर आरसीबी के खिलाफ मुकाबले में यहाँ पर ये पहले इंडियन बन चुके हैं जिन्होंने 153 की स्पीड से बॉल डाली है। कुल मिलाकर ये सबसे तेज बॉल फेंकने वाले आईपीएल में इंडियन प्लेयर बन चुके। इससे पहले वरुण अरुण के जो नाम रिकॉर्ड था उस रिकॉर्ड को और नवदीप सैनी के रिकॉर्ड को ये तोड़ चुके हैं। हालांकि अभी तक वे केवल दो मुकाबलों में यहाँ पर इस गेंदबाज का काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है, जहां पर पहले मुकाबले में, इसके साथ ही कल हुए अपने दूसरे मुकाबले में हैदराबाद के इस तेज गेंदबाज ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। तो हैदराबाद की टीम शायद इनको रिटेन करने का विचार कर सकती है या फिर मेगा ऑक्शन में तो अब काफी सारी टीमें इनको टारगेट करेगी, काफी सारी टीमें इनको परचेस करने का ट्राई करेगी। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग आखिर मेगा ऑक्शन में यहाँ पर उमरान मलिक को कौन सी टीम परचेस करेगी, कितने करोड़ तक आखिर ये मेगा ऑक्शन में बिक सकते हैं। अब बात करते हैं आठवीं और आखिरी बड़ी खबर की। तो जो आठवीं और आखिरी बड़ी खबर निकल कर आती है वो आती है आकाश चोपड़ा की तरफ से। दरअसल आकाश चोपड़ा ने अब बीसीसीआई को सलाह दी है कि यहाँ पर मेगा ऑक्शन के बाद अगले साल 10 टीमें आ जाने के बाद अब बीसीसीआई को आईपीएल में यहाँ पर 5 विदेशी प्लेयर्स अलाउ कर देने चाहिए। कुल मिलाकर अब 5 विदेशी प्लेयर्स को प्लेइंग 11 में खेलने की बीसीसीआई को अनुमति दे देनी चाहिए। इसके साथ ही आकाश चोपड़ा ने सजेस्ट किया कि प्लेऑफ्स में यहाँ पर बीसीसीआई 5 विदेशी प्लेयर्स को अलाउ करके इस नियम को टेस्ट कर सकता है, यानी प्लेऑफ्स के मुकाबलों में 5 विदेशी प्लेयर्स को अलाउ कर दिया जाए। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग आखिर अगले साल बीसीसीआई को आईपीएल में 5 विदेशी प्लेयर्स अलाउ कर देने चाहिए या फिर नहीं। इसके साथ ही आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से आप अभी एमपीएल डाउनलोड करके आप आज के मुकाबले के लिए तो अपनी टीम बना ले, इसके साथ ही आप आईफोन का भी कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर ले। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो करें लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।